सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधि और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ हरड़ के बारे में। दोस्तों ये जो हरड़ है, ये छोटी हरड़ इसको बोलते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहते हैं हरड़ के बारे में, और ये हरड़ भी जो है कितनी तरीके की आती है। मैं इसमें केवल आज जो बात करने वाला हूँ, ये छोटी हरड़ है, इसमें क्वालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ और इसके गुणों के बारे में, और इसके क्या गुण और प्रयोग हैं, और ये ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से क्या नुकसान होगा, और किन किन रोगों में फ़ायदा करता है, कितनी इसकी मात्रा है, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो भी हेड हैं, जो और हेड हैं, उनके बारे में मैं अलग से और वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों हरड़ के बारे में तो शायद सभी जानते होंगे, लेकिन आज आप मैं इसको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये जो हेड है आप देख रहे हैं, ये छोटी हेड है, और ये जो छोटी हेड है ये अच्छी क्वालिटी की है, जो कि बढ़िया क्वालिटी में आती है। या आप इसकी पहचान कर लीजिए, जो असली हेड है वो जो ये उसकी जो है हल्की क्वालिटी में आती है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हल्की क्वालिटी की है, और ये है असली क्वालिटी, मतलब अच्छी क्वालिटी की, जो कि गुणों में सर्वश्रेष्ठ होती है। ये देखिए ये दोनों में कितना अंतर है। ये जो बारीक वाली है ये असली होती है, मतलब असली तो ये दोनों ही हैं, लेकिन क्वालिटी का अंतर होता है, इलाके का अंतर होता है, और ये जो इलाके के हिसाब से ये गुणवान ये ज़्यादा है। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये छोटी वाली, और ये जो आपने देखी अभी, ये जो इससे कुछ बड़ी बड़ी सी आती हैं, इसमें एक तो ये है पुरानी हेड होती है, और दूसरा ये जो है ये इसमें बड़ी हेड के भी कुछ जो बड़ी हेड के छोटे पीस होते हैं उनको भी इसमें मिला दिया जाता है, लेकिन जो ये है ये असली वाली हेड होती है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आज इस वीडियो में आपको एक नुस्खा भी बताने वाला हूँ इन्हीं हेड के से बनने वाला, जो बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं, और उसको बनाने के बाद उस चूर्ण को आपके पेट से संबंधित काफ़ी सारे रोग दूर हो जाएंगे, जैसे गैस बनना, पेट का दर्द, बदहजमी, या जी मचलना, या गैस, कब्ज, इन सभी रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। और बहुत आसानी से बहुत सस्ता नुस्खा आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो की लास्ट में, और अभी इस वीडियो के बारे में बहुत जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका ये जो हरड़ है ये इसका स्वभाव कैसा है। ये जो इसका अगर हम स्वभाव की बात करें तो ये ठंडी होती है, और इस ये कितने ही नामों से जानी भी जाती है, जैसे संस्कृत में हरितकी के नाम से जानते हैं, अभ्या के नाम से जानते हैं, हिंदी में हरड़ या हरर के नाम से जानते हैं, बंगाल में हरितकी के नाम से जानते हैं, फारसी में हलीले के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसको ब्लैक मायरेबोलम चेबुलाई के नाम से जानते हैं, गुजराती में हरड़े के नाम से जानते हैं। ये तो इसके नाम की जानकारी थी, बाकी इसका जो रंग आप ही देख ही सकते हैं, आपने इसकी पहचान कर ही ली होगी कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की है। ये जो बारीक वाली है ये अच्छी क्वालिटी की है, और जो ये मोटी मोटी सी है ये कुछ ये हल्की क्वालिटी की है। जो अच्छी क्वालिटी की है वही आपको लेनी होती है, उसी का आपको सही मायने में फ़ायदा मिलता है। और इसका जो अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इसका जो है ये एक दुष्प्रभाव भी है, ये आंतों में जो है खराश पैदा कर सकता है, लेकिन इसके दोषों को दूर करने के लिए योग बनाए गए हैं आयुर्वेद में, और उन योग का जैसे बादाम का तेल है उसके साथ इसको प्रयोग करने से इसका जो ये दोष है ये दूर होता है। उन्नाव है, लसोड़ा है, ये और एक दो औषधि और भी हैं, इनके इस्तेमाल से अगर इसके साथ इसको मिला दिया जाए तो इसका जो ये दोष है जो आंतों में खराश पैदा करता है वो दूर हो जाता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा 6 ग्राम तक की हो सकती है, और ये मात्रा जो है 3 से 6 ग्राम ये आयु और रोग के हिसाब से निर्धारित की जाती है कि रोग कितना है और कितनी आयु है उसके हिसाब से।
अगर इसकी तुलना की बात करें तो इसके सेम गुण आपको बेड़ा में भी मिल जाएंगे, बेड़ा से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके गुणों के बारे में, लेकिन मैं भी आपको बता दूं, हरड़ जो है 7 तरह की होती है, जिसे विजय हरड़ के नाम से जानते हैं, रोनी हरड़ के नाम से जानते हैं, और पूतना हरड़, चेत की हरड़, अमृता हरड़, अभ्या हरड़, जीवंती हरड़, ये 7 तरीके की हरड़ है। कुछ हरड़ तो ऐसी हैं, अगर उनके पेड़ के नीचे अगर आप जाकर खड़े हो जाएं तो आपको दस्त लगने चालू हो जाएंगे, ये उस हरड़ के पेड़ के नीचे खड़े होने का प्रभाव है। ऐसी ऐसी हरड़ भी हैं, लेकिन वे अभी उपलब्ध, यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती भारत में। जो मेन, जो ज़्यादा हरड़ उपलब्ध होती है वो विजय हरड़ है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये विजय हरड़ के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये सभी जगह, इस हरड़ की ये खास बात है कि ये सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और इसको आसानी से मिलने के साथ साथ ये सभी हरड़ों में श्रेष्ठ भी है, क्योंकि इसका जो स्वभाव है वो जो है सुख देने वाला होता है, और ये ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं करती, क्योंकि इसका जो प्रभाव है बहुत ही हल्का होता है। जो अभी मैंने बताया इसमें कि ये आंतों में खराश पैदा करती है, लेकिन और ज़्यादा हरड़े जो भी हैं उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन इस हरड़ के ये जो प्रयोग है ये सभी रोगों में काम करती है, जबकि और हरड़े के जो हैं नियमित हैं कि ये इस रोग में काम करेगी, लेकिन ये जो हरड़ आप देख रहे हैं ये सभी रोगों में काम करती है। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो कार्य है वो भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है, और ये पेट को साफ रखती है, आँखों को भी फायदेमंद है क्योंकि आँखों की रोशनी बढ़ाती है। इसके अलावा ये श्वास में, खांसी में, कुष्ठ रोग में, उदर रोग में, सूजन को मिटाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। पेट के कीड़े हैं तो भी इसमें यह प्रयोग होती है। स्वर्ण भंग है तो भी, जिसे हम गला बैठ जाना कहते हैं, उसमें भी काम करती है। इसके अलावा संग्रहणी, पेचिस, कब्ज और जो अफारा होता है उसमें भी ये ज़्यादा बढ़िया काम करती है, और अगर प्यास ज़्यादा लगती है तो उसमें भी काम करती है। उल्टी को ख़त्म करती है, हिचकी, और इसके अलावा एलर्जी, खुजली होती है उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करती है। पीलिया में, पथरी के रोगों में, पेशाब की बीमारी में, इसका जो है ये सभी रोगों में काम करती है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इस ये जो हेड है, ये छोटी हेड है, इसको अगर गुण के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से हम इसको समझे तो इसमें पांचों रस जो है सही मात्रा में पाए जाते हैं, और ये जो पांच रस होते हैं ये तीखा, कड़वा, कसैला और अम्ल, ये सभी पांचों रस इसमें पाए जाते हैं। और इसके अगर स्वाद की बात करें तो ये कसैली होती है, गुण में हल्की होती है, रूखी होती है, और ये त्रिदोष नाशक होती है। जो शरीर में 3 दोष होते हैं उन दोषों को, तीनों दोषों को ये दूर करती है, और इसको आयुर्वर्धक भी माना गया है। आयुर्वर्धक होने के साथ साथ ये पुष्टिकारक भी है और पाचन शक्तिवर्धक भी है, और जब पाचन हमारा सही होता है तो अपने आप से ही शरीर में बल वृद्धि हो जाती है। ये पाचक तो है ही, और ये मल को शोधक करने वाली भी है, और ये पेशाब को भी जो है खुल कर लाती है, और पेशाब की जो दुर्गंध है उसको दूर करती है। इसके अलावा ये पेट दर्द में भी बहुत अच्छा काम करती है, मलेरिया के रोगों में भी इसका प्रयोग होता है, बशर्ते ये जो है नुस्खों के साथ, ये योग के साथ इसको दिया जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक रासायनिक संरचना के बारे में बात करें तो इसका, अगर हम इसमें जो एसिड होते हैं उनको, एक एसिड होता है चेबुलिनिक, ये एसिड जो है 30% इसमें पाया जाता है। लैटिन एसिड इसमें 30% पाया जाता है, और एक होता है गैलिक एसिड, वो भी इसमें पाया जाता है। ये इसमें और भी कई रासायनिक जो केमिकल कहे आप, या एक रसायन जो होते हैं इसमें भी मिलते हैं, जैसे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी औषधि है, और ये विशेषकर पेट रोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी औषधि है। इसको
बिल्कुल आपको प्रयोग करना चाहिए। इसका मैं एक छोटा सा प्रयोग, बहुत ही सस्ता और आपको बहुत ही आसानी से बन जाने वाला एक मैं प्रयोग आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो आप घर पर बना कर कर लीजिए, आपके पेट के ज़्यादातर रोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गैस से संबंधित या पित्त तेजाब से संबंधित, या अगर पेट में गैस बनती है और कब्ज रहता है, भूख नहीं लगती, इन सभी उसमें ये नुस्खा काम करता है। उसके लिए आपको हरड लेनी है, 100 ग्राम छोटी हेड जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके की हरड, ये अच्छी क्वालिटी की लेनी है। देखिए जो मैंने अभी बताया है, तो अच्छी क्वालिटी की इसमें हरड आपको लेनी है, और एरंड का जो तेल होता है, जिसे हम कैस्टर ऑयल के नाम से भी जानते हैं, उसका तेल ले लेना है। जैसे 100 ग्राम आपने हरड ली है, उसमें इतना तेल ले लेना है कि जितने में 100 ग्राम हरड भून जाए, और उसको उसमें भून कर और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर उसको उतार कर और उसका बारीक पाउडर बना ले। उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाएं, जैसे 100 ग्राम हेड है तो उसमें आप 25 ग्राम काला नमक मिला लीजिए, और 5 ग्राम उसमें अजवाइन मिला लीजिए, और उसमें जो है 2-3 ग्राम सूंठ आप मिला सकते हैं। ये आप इसको आप बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर इस चूर्ण को आप घर में रखिए, अगर कभी भी आपके गैस बनती है। इसमें एक चीज़ आप और मिला सकते हैं, पीपल, ये जो पीपल होता है, मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है, आप उसके रोगों के बारे में उसमें देख सकते हैं। पीपल को भी आप इसमें मिला सकते हैं, ये 5 ग्राम आप इसमें मिला लीजिए, और इस चूर्ण को आप घर में बनाकर रखिए ही। कभी भी अगर आपको अचानक से गैस बनती है या कब्ज या पित्त बनता है, तो आप इस चूर्ण को लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। और ये ज़बरदस्त नुस्खा है जो कि शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा। आप इस चूर्ण का अगर प्रयोग करेंगे, तो आप इस चूर्ण को एडवांस में बना कर रखेंगे, इसके इतने लाभ हैं। तो ये थे आज इसके बारे में हमने बताया, ये हेड छोटी है, और आने वाले वीडियो में बताएंगे बड़ी हरड के बारे में, और हरडों के बारे में भी बात करेंगे, और भी कई तरीके की हरड जो आती हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें जो है प्रोत्साहित करता है कि हम आगे वीडियो बनाएं और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आए जो कि आयुर्वेद से संबंधित है। और आपको हम ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बाज़ार में औषधि आजकल जो है बहुत ही घटिया क्वालिटी की आने लगी है, और उसकी नकल भी बाज़ार में मिलती है, क्योंकि जो पैसों के लालच में जो है लोग जो पंसारी और भी या कोई भी दुकानदार ये धोखाधड़ी करते रहते हैं। और इसका एक मकसद और भी है, अगर आपको हर जड़ी बूटियों की पहचान होगी तो आप अपने आप से भी कोई भी नुस्खा तैयार कर सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटी आप खरीद सकते हैं। इससे आपको पता होगा, अगर कोई नकली देना भी चाहे तो आप उसको कह सकते हैं। ये भी इस चैनल का उद्देश्य है कि आप सभी जड़ी बूटियों के बारे में जानें। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही और भी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ टच सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही और भी जानकारी भरी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।